हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नेम खान, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट में। और गाइस, आज के इस वीडियो में आपको तीन ऐसी बेहतरीन यूपीआई एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो नंबर वन है यूपीआई द्वारा मनी ट्रांसफर करने के लिए। मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि भाई यूपीआई द्वारा किस तरीके से मनी ट्रांसफर करते हैं और यूपीआई आईडी होती क्या है। तो आज की वीडियो में आपको तीन बेहतरीन ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप जो है इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ उस मोबाइल नंबर की जो आपने अपने बैंक अकाउंट में दे रखा है, ठीक है। जो नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस मोबाइल नंबर की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि उससे ही यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट जो है सर्च कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना और बहुत ही आसान है यहाँ पर मनी ट्रांसफर करना। गाइज, इतना ही नहीं, आप यहाँ पर जो है बिजली का बिल भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर गिफ्ट कार्ड भेज सकते हैं। तो बहुत ऐसे काम है जो आप करने के लिए बाहर जाते हैं तो आप घर बैठे कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो की बिल्कुल मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो एप्लीकेशन है जो नंबर वन है यूपीआई द्वारा मनी ट्रांसफर करने के लिए। सो गाइज, अभी हम प्ले स्टोर में है, आपके सामने एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है फोन पे यूपीआई पेमेंट्स। ये एप्लीकेशन नंबर वन है। अगर आप जो है यूपीआई द्वारा मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। और अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो गाइज आप रेटिंग देख लीजिए, 4.5 इसकी रेटिंग है। 50 मिलियन प्लस बार डाउनलोड किए जा चुके हैं ये वाली एप्लीकेशन। बहुत ही बेहतरीन और सुपर एप्लीकेशन है मेरे कहने पर। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको उसी नंबर से रजिस्ट्रेशन करनी है इसकी, जो नंबर आपने अपने बैंक अकाउंट में दे रखा है, ठीक है। बैंक अकाउंट के साथ जो आपका नंबर लिंक है उसी नंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो है आपने अपना 10-डिजिट मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद अपना फुल नेम, और नीचे आपको पासवर्ड बनाना है 4 अंकों का, ठीक है। तो मैंने पहले से इसके अंदर साइन अप कर रखा, तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ अभी। सो गाइज, एप्लीकेशन के अंदर अपना साइन इन कर लिया है और इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइज, ऊपर देख सकते हैं आप, जो सबसे पहला ऑप्शन है इस एप्लीकेशन के अंदर वो है मनी ट्रांसफर का, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है रिचार्ज एंड पे बिल का, ठीक। सो अगर आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। 3 तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट द्वारा, दूसरा भीम यूपीआई आईडी द्वारा, और तीसरा है बैंक अकाउंट द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर हम रिचार्ज एंड पे बिल कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल दे सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। पोस्टपेड बिल दे सकते हैं, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, गैस, वाटर, डाटा कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूनसिपल टैक्स, गूगल प्ले एंड गिफ्ट कार्ड आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, गोल्ड भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि यूपीआई आईडी होती क्या, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम आपकी यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं पता वो कहाँ पर है तो आपने सिंपली माई मनी पर क्लिक कर देना है। और सेकंड नंबर का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है भीम यूपीआई आईडी, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपकी जो है भीम यूपीआई आईडी आपको दिख रही होगी, आपका मोबाइल नंबर @YBL, ये होगी आपकी भीम यूपीआई आईडी, ठीक है। इसी को आपने हर जगह पर यूज करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप जो भीम यूपीआई आईडी द्वारा मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपने सीधा जो है टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। भीम यूपीआई आईडी में आपने जाना है, नीचे एड भीम यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर बेनिफिशियरी भीम यूपीआई आईडी डालनी है। यूपीआई आईडी वही होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका मोबाइल नंबर @YBL, तो जिसको आपने मनी ट्रांसफर करनी है उसकी आपको भीम यूपीआई आईडी लेनी होगी और वो यहाँ पर आपने डालनी है, वेरीफाई भीम यूपीआई आईडी करनी है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भीम यूपीआई द्वारा जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है इसका वो है बैंक अकाउंट द्वारा, ठीक है। बैंक अकाउंट में आपने सिंपली एड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म करना है, और उसके बाद जो है आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। किस तरीके से मनी ट्रांसफर करनी है, तो अगर मान लीजिए भीम यूपीआई द्वारा मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। भीम यूपीआई द्वारा डालने के बाद उसके बाद अमाउंट यहाँ पर डालनी है, उसके बाद ओके करना है, उसके बाद जो है सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपने जो है यहाँ पर 4-डिजिट जो यूपीआई पिन होता है, जो 6-डिजिट यूपीआई पिन होता है, वो आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।
गाइस इतना ही ना, अगर आप ये जो एप्लीकेशन अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 100 रुपये कैशबैक, ठीक है, और आपके दोस्त को भी फर्स्ट UPI ट्रांजेक्शन पर 100 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। सो गाइस ये है फोन पे एप्लीकेशन, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन वाली एप्लीकेशन है और नंबर वन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी काम कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो गाइस ये थी फोन पे एप्लीकेशन, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं दूसरी जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है जो इसके बाद आती है। सुगा जो दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन है वो है गूगल पे। ये है UPI एप्लीकेशन, काफी पॉपुलर है, काफी ट्रेंडिंग में ये वाली एप्लीकेशन भी, लेकिन ये जो है फोन पे एप्लीकेशन के बाद दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। 4.5 इसकी रेटिंग है और 50 मिलियन प्लस बार डाउनलोड की जा चुकी है ये वाली एप्लीकेशन भी, ठीक है। दोनों बेस्ट एप्लीकेशन, कोई सी भी डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपके काम आने वाली है फोन पे एप्लीकेशन। तो ठीक है, जल्दी से इसको आप ओपन कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं अपना जो है अभी यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देता हूँ। सो गाइस जैसी एप्लीकेशन ओपन होती है तो इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना बैंक अकाउंट जो है ऐड करना है, और ध्यान रहे इसका रजिस्ट्रेशन भी आपको उसी मोबाइल नंबर से करना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका बैंक है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो है आपने एंटर UPI पिन टैप करने के बाद में जो आपने यहाँ पर अपना एंटर UPI पिन डालना है, अगर आपके पास पहले से पिन है तो डाल दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। और जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर स्टार्ट पेमेंट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। स्टार्ट पेमेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, फोन नंबर, UPI ID, ठीक है, या फिर QR कोड। तो अगर आप UPI ID द्वारा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सिंपली आपने UPI ID पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, UPI ID एंड स्कीम QR कोड। तो UPI ID पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपने यहाँ पर UPI ID डालनी है, तो मैं अपनी डाल देता हूँ, फोन पे वाली ही, ठीक है। एक जैसे आप UPI ID अपनी यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में उसको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो है आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पे करना चाहते हैं यानी मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कितनी अमाउंट आप भेजना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद जो है आपने प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपने यहाँ पर UPI पिन डालना है अपनी, और जैसे आप UPI पिन डालते हैं तो यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन जो है हमारी ये तो लीजिए हमारी जो ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुली हो गई। आप इस तरीके से यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तेज एप्लीकेशन से UPI ऐप द्वारा। उसके बाद जो है आप यहाँ आप यहाँ पर बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड, और उसके बाद जो कंटिन्यू कर दिया, और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट से भी आप जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो गाइस तेज एप्लीकेशन ये है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पर इन्वाइट करते हैं अपने दोस्तों को, यहाँ पर आपको 51 रुपये कैशबैक भी मिलने वाला है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारी जो तीसरी एप्लीकेशन है वो कौन सी है अभी। सो गाइस नंबर तीन पर जो एप्लीकेशन है वो है भीम, मेकिंग इंडिया कैशलेस। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा ये बनाई गई एप्लीकेशन है, ठीक है, भीम एप्लीकेशन, ठीक है। ये काफ़ी आज के टाइम पर ट्रेंडिंग में है, लेकिन नंबर तीन पर है ये, क्योंकि 4.2 इसकी रेटिंग है, 10 मिलियन बार डाउनलोड की जा चुकी है। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, और ये मर्चेंट का, अगर आप मर्चेंट है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपना पेमेंट लेने के लिए। तो चलिए हम इसको जल्दी से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने फोन पे और जो है गूगल पे में किया है, उसी तरीके से आपने इसका भी जो रजिस्ट्रेशन करना है, और उसी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है इसका जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको आप ओपन करते हैं तो इंटरफेस कुछ इस तरीके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइज, ठीक है। आप जो है यहाँ पर मनी सेंड कर सकते हैं यानी किसी के पास भेज सकते हैं। यहाँ पर आप तीन तरीके से मनी जो है भेज सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट द्वारा, दूसरा जो है UPI ID द्वारा, और तीसरा है IFSC कोड द्वारा। गाइज आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, अगर आप पैसे लेना चाहते हैं उनसे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। UPI ID आपने यहाँ पर डालनी है और रिक्वेस्ट कर देनी है, ठीक है। और जो है आप यहाँ पर स्कैन एंड पे करके भी जो है यहाँ पर जो है आप पेमेंट कर सकते हैं भारत QR कोड द्वारा, ठीक है। ये भी काफ़ी पॉपुलर है,
आप यहाँ पर ब्रॉडबैंड पोस्टपेड रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच इलेक्ट्रिसिटी गैस लैंडलाइन पोस्टपेड मोबाइल पोस्टपेड वाटर वगैरह का बिल भर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप मर्चेंट है, ठीक है, आपने मर्चेंट का यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ मर्चेंट है, तो अगर आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपनी पूरी कंप्लीट कर दीजिए, एजेंट यहाँ पर ऐड कीजिए, तो आप जो है यहाँ पर मर्चेंट के तौर पर भी मनी जो है रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ये एप्लीकेशन है, मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसको इतनी यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादातर फोन पे यूज़ करता हूँ। आपकी मर्जी, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी तीन एप्लीकेशन जो यूपीआई के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। आप इन तीनों में से जो सी मर्जी चाहे वो डाउनलोड कर लीजिए जो आपको अच्छी लगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप फोन पे डाउनलोड कीजिए, बेस्ट एप्लीकेशन है। उसके अंदर आप जो है बहुत ऐसे काम है जो घर बैठे कर सकते हैं, ठीक। डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वो बेस्ट एप्लीकेशन है यूपीआई मनी ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।